शुरू से लेकर आज तक नए केस का सिलसिला है जो है मोहम्मद मलिक साहब एडवोकेट हमारा, हम जो बात करते हैं या कुछ ऐसी बातें होती हैं तो लोगों को पता ही नागवार गुजरता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम पहले भी एक थे और आज भी हम एक हैं। हमारा कहने का मकसद एक ही है, जो चार बच्चे हैं, छोटे हैं, मासूम हैं, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान से सॉरी हिंदुस्तान चले गए, अभी तक हिंदुस्तान का हुकूमत आला इदारे जैसे मोदी जी है, योगी जी है, हमने रिक्वेस्ट कर करके जो है गला सूख गया, अभी तक जो है हमारा इंसाफ नहीं हो रहा है। उन अदालतों को पुरजोर एक अपील है, हर माँ बहन भाई बेटी ऐसे अपना पूरा किरदार अदा करो, जैसे जहाँ तक बच्चे नहीं आ रहे वहाँ तक आप लोग आवाज़ उठाओ, ताकि क्यों इस केस को इतना खामोशी अख्तियार किया हुआ है आला इदारों ने, तो एक्शन फिलफौरन उठाया जाए। और चार छोटे बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, उनका मुस्तकबिल पाकिस्तान में है, अभी तक जो है कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। इसका क्या रीज़न है, क्या वजूहत है, ये तो मुझे नहीं पता। मैं तो हर जो है आला इदारों को जो कानून को जानते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, जो मैं उनको हर वक्त आके एक रिक्वेस्ट बाप की हैसियत से करता हूँ कि मेरे बच्चे हैं, फरहान खान हो, फरवा बतूल हो, फरिया बतूल हो, मेरे लगते जिगर हैं, छोटे हैं, मासूम हैं, 10 साल से कम एज में नाबालिग हैं, उनके साथ जुल्म और जो है मेरे ख्याल से जबरन उनका मजहब चेंज किया जा रहा है, और छोटे मासूम हैं, उन पर हुकूमत असल एक्शन क्यों नहीं उठा रहे। तो खुदा रहा, मेरा वीडियो बनाने का ही मकसद यह है, सोशल मीडिया एक्टिवेट है, आपको पता है दुनिया भर में देखा जाता है, यार मैं गरीब मिस्कीन अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठा सकता हूँ और आप लोगों को जोड़ सकता हूँ, यही मेरा एक नज़रिया है। और आपको पता है आला इदारे एक्शन नहीं उठाते, बहुत अफसोस होता है कि देखो शायद हम गरीब हैं इस वजह से हमारे केस को इतना अहमियत नहीं दिया जा रहा है। इसके क्या वजूहत हैं, क्या रीज़न है, आज तक कोई रिज़ल्ट ऐसे सामने नहीं आया। उम्मीद तो है, फिर भी कहते हैं कि उस रब ज़ात पे जो है उम्मीद है, ना उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। जब तक सांस के अंदर सांस होगा हम आला इदारों को रिक्वेस्ट करेंगे, और इंशाल्लाह फरहान खान हो, फरवा बतूल हो, फरिया बतूल, लग के जिगर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इंशाल्लाह पाकिस्तान होंगे। हम कोशिश लीगल भी कर रहे हैं और अपनी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचाना यही मकसद है कि अभी तक हमें इंसाफ नहीं मिला, इसलिए उन आला इदारों को हम अपने तरीके से अपनी आवाज़ से आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। हर माँ बहन बेटी भाई का यही फ़र्ज है हमारी आला इदारों तक पहुंचाना। आवाज़ आप सब जब एक होंगे, आवाज़ को अहमियत दोगे और आगे से आगे पहुंचाने की कोशिश करोगे सदका जारी समझ के, ताकि उन हुकूमतों तक हमारी आवाज़ किस तरीके से पहुंचे और बच्चों की वापसी हो जाए, यही कोशिश है, करते रहें। और आप सब जब साथ दोगे तब काम बनेगा इंशाल्लाह। आजकल पता नहीं कुछ मसले मसाइल पाकिस्तान के भी अंदर जो हो रहे हैं, आपको पता है कि एक दूसरे से नफरत, एक दूसरे के ऊपर तनकीद, यार ये सब बंद करो खुदा रहा। अगर हम सिर्फ तनकीद करेंगे, हर अच्छाई छोड़ के बुराई का एक जो है एक अल्फाज चुन कर उसको दुनिया के सामने लाना, मेरे ख्याल में वो इंसानियत की बात नहीं है, वो एक हैवान जो अपना नज़रिया पेश करते हैं, वो वही रुख जो फैला रहा है, ऐसा मत करो। मैंने हमेशा अमन और प्यार मोहब्बत और रिस्पेक्ट का जो है सबको बोला है कि देखो आप कर सकते हो अच्छे तरीके से अल्लाह को हाजिर नाजुर करके, तो बिल्कुल ये केस भी आपका है, बच्चे भी आपके हैं, मैं भी आपका हूँ। अगर उनके बावजूद भी आप सब जलसी दिखाओगे, हमें सब कुछ नज़र आता, बच्चे नहीं हैं, हम 2 साल से मीडिया से अच्छे लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों का नज़रिया जो कुछ लोग हैं, सबको तो नहीं कहता सॉरी, कुछ लोगों का नज़र जो है ऐसे पेश करते हैं ताकि मुझे ही गलत साबित करके आगे उस वीडियो को तोड़ मरोड़ करके दूसरा रंग दे रहे हैं, ऐसा मत करो भाई। आपके घर में भी बहन होगा, बेटी होगा, बच्चे होंगे, यार 1.5 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, हमने मेरा ज़मीर कितने लोग झिझोड़ते हैं, किस तरीके से उन आवाज़ को आगे से आगे पहुंचाने की कोशिश तो नहीं करते, बल्कि उल्टा मुझे ही जुर्म फैला के जो है, ऐसा तो हैदर को नहीं करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, यार अफसोस है। लिखे पढ़े होकर भी अगर आप लोग ऐसे बयान दोगे, मेरे ख्याल में एक जलसी है जो आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होता, यार बच्चे जिनके चले गए, इतना हद तक आप लोग गिरोगे, ये तो मुझे मेरे सोच से भी बाहर था। मैंने शुरू से लेकर आप लोगों को अपना भाई समझ के जो है रिक्वेस्ट किए थे, आजकल वो जो होना था मेरे ख्याल से नहीं हो रहा है, ऐसा मत करो। कोई भी आप लोगों को कोई नफरत में आपके दिल में है, किस हिसाब से हैं, तो खुदा रहा उन सब चीज़ को परे करो और उन चीज़ों को हटा के मोहब्बत दिल में पैदा करो। यार हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, उल्टा मेरा ही सब कुछ बिगड़ा हुआ है, बच्चे चले गए, घर उजड़ा हुआ है। आप हर तनकीद जो है मैं देखता हूँ,
कि आपका क्या रवैया होता है, आपका आखिरकार उस बात से इसका सही फैलाने का टाइटल मैं लगा रहा हूँ क्या वो हैदर को सवाल करनी चाहिए? ये टाइटल नहीं है, सोचे समझे लोग भी अफसोस ऐसी बातें करोगे तो फिर इंसानियत का दावा करना छोड़ो यार। खुदा रहा, मैं कभी भी किसी का खिलाफ नहीं हूँ, याद रखना मेरे दिल में किसी के लिए कोई बुग्ज नहीं है। जो बुग्ज रखने का आप ही सबब बन सकते हो कि आप लोग और हमारे चाहने वाले प्यार करने वाले व्यूअर जो भी देखते हैं वही आप लोगों कमेंट्स में भी करते हैं कि ये देखो गलत है, आप इसको ऐसा रंग मत दो। खुदा रहा, लोग माशाल्लाह समझदार हैं, कोई गुंगा बहरा नहीं है, हर किसी को समझ में आता है कि आप उस केस को किस तरीके से देखते हो और किस तरीके से आगे लेना चाह रहे हो। मत करो, इधर चार बच्चे फंसे पड़े हुए हैं, आप उनको उल्टा रंग देकर तोड़ मरोड़ करके बोलते हैं इसका क्या टाइटल होना चाहिए, क्या मोमिन मलिक साहब से हैदर का सवाल करना ठीक था? यार मैं बाप हूँ, जो मेरे चाहने वाले प्यार करने वाले व्यूअर का सवाल था मोमिन सर से, हम आप भी जुड़े हुए, आपके कहने या ना कहने से हमारे केस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर आप अपनी जो है ज़मीर को अल्लाह से हाजुर नाजुर करके अगर आप समझ सकते हो कि यार ये ठीक है, ये जो अल्फाज मैंने बोले, क्या हैदर ये बोलना चाह रहा था कि आप लोगों से मेरे करीब कर रहे हो या दूर कर रहे हो? बात सिर्फ इतनी है कि समझ जाओ यार, हमारा किसी से कोई ताल्लुकात या झगड़ों का, अल्लाह ना करे आपने हमारा क्या बिगाड़ा या हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। हम मजलूम का यही सहारा होता है सोशल मीडिया को अपनी आवाज़ समझ के आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं कि आप हमारा हमदर्द बनो या हमारी अच्छाई को आप बुराई में तब्दील करो। ये तो बिल्कुल नागवार सवाल है, ऐसा मत करो। देखो गैरत सबका एक है, जज्बात हर किसी के एक जैसे हैं। देखो लोग, माँ सबका माँ होता है, बहन सबकी बहन होती है, बेटी सबकी बेटी। देखो अल्लाह ना करे किसी कोई आपके ऊपर उंगली उठा रहे, तो आपको खुद को पता है कि यार मुझे कितना दर्द हुआ होगा। और हैदर तो 2 सालों से इस मर्ज में मुतला है, इतना डिप्रेशन में जा रहा है, उनके क्या सिचुएशन है? अपने दिल पे हाथ रख के थोड़ा सा खुदा के लिए थोड़ा सा सोचोगे तो आपका मेरे ख्याल में जो है ईमान और जज्बात आपके साथ होंगे, दिल भी आपका साथ देगा कि इंशाल्लाह वाकई यार अगर मेरे से कोई गलती हुआ तो मैं अपनी गलती को मानूँ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा प्यार और मोहब्बत की आवाज़ बनो। और हमदर्दी करना चाह रहे हो ना, जताने की कोई ज़रूरत नहीं होता, दुनिया आपके साथ होता है। मैं क्या, दुनिया पूरा आपके साथ है कि यार वाकई इंसान तो मर जाता है, अल्फाज और बातें कभी नहीं मरते, ये दिल तोड़ते हैं जोड़ते नहीं हैं प्यारे भाई। कैसे सवाल, कैसे जवाब, और आप एक टाइटल एक कर रहे हो, ऐसा मत करो। तो दुनिया देख रहे हैं, कोई लोग गूंगे बहरे नहीं हैं। मैं प्यार और मोहब्बत और रिस्पेक्ट के साथ कह रहा हूँ कि ऐसा हमारे अंदर आप लोगों के अंदर ये नफ़रतें हुई क्यों, इनका वजह क्या है, इनका सबब क्या है? आज तक अच्छाई तो हो नहीं सका, उल्टा हमारे ऊपर ही जो है तनकीद होना शुरू हो गया। यार अगर ऐसा काम करोगे तो क्या दुनिया आपको अच्छा साबित करेगा? कभी भी नहीं। फिर भी मैंने एक बाप की हैसियत से छोटा भाई समझ के, आप बड़े हो हम छोटे हैं, तो लिखे पढ़े लोग हैं, आप अगर ऐसा सवाल करोगे तो मुआशरा, लोग आने वाले चाहने वाले जो प्यार करने वाले इंसानियत को ज़िंदा रखने वाले लोगों का क्या ख्याल होगा? देखो आवाज़ को अच्छा बनाने की कोशिश करोगे उसको, मेरी चलो अल्फाज टूटे फूटे होंगे, आप और भी अच्छा साबित दुनिया के आगे करोगे तो दुनिया आपका तारीफ करेगा, गलत कोई भी नहीं कहेगा आपको। याद रखना सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है, इधर यही तो हम गरीबों का एक सहारा होता है, आपको पता है कि हमारी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच रहा है, और आप उनको और अच्छा फैला के आगे जो है नेट में डालोगे, दुनिया प्यार करता है, आप लोग सवाल के जवाब भी देते हो, लिखे पढ़े भी हो, तो आप लोग मेरे से तो अच्छा आप लोग कर सकते हो। इसके बावजूद भी अगर मेरी अल्फाजों में कुछ कमी खोता ही होता है तो आप उनको तोड़ मरोड़ करके और भी बुरा बनाते हो, ऐसा मत करो। हमेशा हैदर ने बच्चों की बात की, हमें किसी से कोई लालच हवस या गुस्सा क्यों होगा यार? आप किधर हम किधर, हम तो सबको अमन और प्यार और मोहब्बत कर, देखो इज्जत सबका इज्जत होता है, ऐसा नहीं कि ओके, माँ भी सबकी माँ होती है, उसकी माँ। देखो हमारे ऊपर भी लोग बच्चे हैदर के कैसे हैं, कैसे सवालात करेंगे, आप एक पाकिस्तान मुआशरे में रह रहे हो, आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ, अपना वक्त गुजार रहा हूँ, किस कंडीशन में हूँ। आप यार जो आप सवाल करते हो हमें सब पता है, मगर हम उस बातों को अगर गुस्से में ऐसा इसने बोला ऐसा इसने बोला तो शायद ठीक नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम अपने अल्फाजों का चुनाव करें, बाकी आप लोग भी जो मीडिया में हमारी आवाज़ एक बनना चाहते हैं तो हमेशा
जो है एक अच्छी तरीके से आवाज़ को आगे से आगे रिकॉर्ड करने की कोशिश करें और मुआशरे को, लोगों को बताना चाहिए कि वाकई हैदर के साथ अभी तक इंसाफ क्यों नहीं हो रहा है, इसका मसला क्या है, अदालतें एक्शन क्यों नहीं उठा रहे हैं। तो आप ऐसे लीगल सवाल कर सकते हो, हर इंसान को करनी चाहिए, माँ हो, बहन हो, भाई हो, बेटी हो, हमदर्द बनो यार, दिल तोड़ने की कोशिश मत करो, जोड़ने की करो हमेशा ऐसे अच्छे अल्फाजों से। आपकी जितनी तरबियत तालीम है आप और भी अच्छा कर सकते हो, मगर उनके बावजूद भी हम आपस में एक दूसरे की टांगों को खींचने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था यार, ऐसा मत करो खुदा रहा प्लीज़। मेरे को उम्मीद है जो जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचेगा भाई प्यार मोहब्बत और रिस्पेक्ट के साथ इन वीडियो को आगे से आगे तक शेयर करेंगे। और जो है मोदी सरकार है, योगी सरकार है, हिंदुस्तान में जो चाहने वाले, प्यार करने वाले, जो प्यार का इजहार करते थे, आज लोगों के दिलों में नफरत किस लिए, कि आप लोगों की अल्फाज की वजह से, तो ये होना था वो होना था, ऐसा मत करो खुदा रहा मत करो। अच्छा बन सकते हो तो बनो, बुरा तो मत बनो ना यार, इतना तो हमारा भी हक है यार। मैं कभी कभार आता हूँ, लाइव करता हूँ या बातें करता हूँ, तो यार मैं लोगों को देखता हूँ, देखो बहुत सारे केस के साथ हमारे लोग जुड़े हुए हैं, कितने रिस्पेक्ट के साथ लोगों ने जो है जहदोजहद किया, सबके ऊपर पानी मत फेंको, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह, मोमिन सर केस को आगे अच्छी तरीके से लेके जाएगा। जो लोगों के सवाल आते हैं हमने वो थोड़ा सा किया था, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, कैसा ये ठीक है ये गलत है, ये आप लोगों का नज़रिया गलत हो सकता है भाई, हम पहले भी एक थे अब भी एक है, इंशाल्लाह आगे एक बन के रहेंगे।